स्वागत है एक बार और बच्चों अमेजन कोच चैनल पे। आज एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। स्पेशल क्वेश्चंस का दौर जारी है। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको स्पेशल क्वेश्चन बताया था, उससे पहले ट्रिक 5 और ट्रिक 6 बताया था आपको। बताया था कि डिफरेंशिएशन में हमने 6 इंपॉर्टेंट ट्रिक बना रखे हैं, सेल्फ मेड ट्रिक्स हैं, वो मेरे बनाए हुए ट्रिक्स हैं। उन 6 ट्रिक को आप पढ़िए और बापू के चार बंदर चैन रूल सीखने के लिए बापू के चार बंदर ये लेक्चर देखिए, आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आज हम ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए और देखिए। बेहतरीन क्वेश्चन है लेकिन आपको आसान लगेगा। जितनी बातें मैंने अब तक बताई है आपको हायर ऑर्डर के अंदर, सारी बातों को दिमाग में रखना है। क्या क्या बातें बताई हैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर वाई बनता है जरूर वाई बनाइए, सेकेंड डेरिवेटिव को क्वेश्चन रूल से बचाइए। प्रूफ वाले पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव के किसी भी पार्ट का, किसी भी फैक्टर का अगर स्क्वायर दिखता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जरूर करें, नहीं दिखता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है। पर इन थोड़ी सी बातें हैं, बस इन बातों को आप ध्यान में रखोगे, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आराम से कर दोगे, बजाबते कि आपको चेन रूल आता हो। इसीलिए तो चेन रूल पे मैं इतना जोर दे रहा हूं बार बार, चेन रूल अच्छी तरीके से आना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशिएशन भी आप सीख नहीं पाओगे और जो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता उससे इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ब्रैकेट के अंदर इसके साथ इनटू में है, a cos log x प्लस b sin log x, और हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इनटू x dy by dx प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। आइए इनका प्रूफ हम आपको बताते हैं और ध्यान से देखिए, एक बार में आप समझ जाएंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आप खुद से कर दोगे अपने आप बिना देखे। प्रूफ देखिए, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स की पावर एन इंटू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब हम यहां से इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं और साफ दिख रहा है कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u हो गया, ये v हो गया, इसको बाहर तो इसका डेरिवेटिव, इसको बाहर तो इसका डेरिवेटिव। यानी एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dy वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, x की पावर n को हमने बाहर छोड़ दिया और हम इसका डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट हो गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यानी ये माइनस साइन लॉग एक्स होगा इनटू में लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स चेन रूल, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस का बी साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस कॉस लॉग एक्स इनटू में लॉग एक्स का, इसके एंगल का लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स, इसको बाहर रखा इसका डेरिवेटिव कर दिया प्लस, अब इसको बाहर रखिए, यानी a cos log x प्लस b sin log x को आप बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, n इंटू एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1। इतना लंबा डेरिवेटिव, अब जरा सोचो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती है जो सांड रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो dy by dx है, d2y by dx square तो और बढ़ाएगा और उन सभी वैल्यूज को इसमें डाल के पता नहीं कैसे बच्चे जीरो ला देते हैं, ये तो एक एक स्टेप आएगा चार चार किलोमीटर लंबा। तो ऐसे नहीं करना, आपको जो तरीका सिखाया वहां ध्यान रखना है, एक बार नजर मारो क्या कहीं वाई बनता हुआ सा दिख रहा है, वाई 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 ये रहा, a cos log x b sin log x इंटू में x की पावर n, a cos log x b sin log x इंटू में x की, ओ हो n माइनस 1 आ गया। अगर x की पावर n होता तो ये n को छोड़ के तो बाकी y बन ही गया, n y लिख देते, अब माइनस 1 यहां से गायब होना चाहिए। और दूसरी बात ये देखो, u अपॉन v के फॉर्म में है, आगे डिफरेंशिएट करें तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, और मैं हर लेक्चर में 5 बार बोलता हूं कि सेकंड डेरिवेटिव को क्वेश्चन रूल से बचाना है। एक काम करते हैं,
हम इस पूरे का एलसीएम एक साथ कर देते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये लो हमने एलसीएम किया पूरे का एक साथ। इस पूरे का एलसीएम क्या होगा, पूरे का एलसीएम होगा एक्स, और यहां क्या बचेगा, एक्स की पावर एन इंटू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, और इसी एक्स से जब इसका इंटू करोगे, इसको पहले लिख लेते हैं एन, और जब एक्स से इसका इंटू करोगे, इंटू तो करने आता होगा, बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ता है, यहां देखो अगर नहीं आता तो एक्स की पावर एन माइनस वन को एक्स से इंटू करना है, बेस इक्वल है, पावर जब जुड़ेगा तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, एक्स की पावर एन बच जाएगा, यानी ये एन बच गया, और एक्स से जब इसका इंटू किया तो एक्स की पावर एन बच गया, इंटू में ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, काम हो गया। जो क्वेश्चन विकराल रूप धारण कर रहा था, बढ़ता जा रहा था, अब वो छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई बन गया। तो हम क्वेश्चन रूल से बचाने के लिए इस एक्स को इधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो एन वाई बन रहा है, एन वाई बन रहा है, इसे उठा के भी इधर लाओ, ये फर्स्ट में देख रहा हो ना, ये फर्स्ट, ये एन वाई जो बन रहा है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, ये चीज हमने सिखाई थी आपको पांचवे ट्रिक में, तो ये एन वाई भी आ गया इधर, माइनस में एन वाई आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स की पावर एन इंटू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अब दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जितना पहले मेहनत किया था उतना ही करना पड़ेगा। अब की बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर नजर दौड़ाना है कि कहीं फिर से y तो नहीं बन रहा है, अगर y बना या ये सेम बन गया dy by dx बन गया, तो जहां ये बनेगा वहां पे हम ये डाल देंगे, और जहां y बनेगा वहां पे y डाल देंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन 6 से 7 स्टेप में प्रूफ कर दोगे, कहीं नहीं फंसोगे, बस डिफरेंशिएशन पे कमांड होना चाहिए। इन चीजों को सीखो, ये एक कला होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रूफ करने का एक कला होता है, और 3-4 बातें हैं, ज्यादा तो है भी नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद वाई बनता हुआ सा दिखा था, हमने वाई बनाया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, सेकंड डेरिवेटिव को क्वेश्चन रूल से बचाना था, इसलिए हमने इस एक्स को यहां से हटा के इनटू में डाल दिया। यही बात दोबारा भी ध्यान में रखना है, आगे चलते हैं, यहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को हमने बाहर छोड़ दिया, dy by dx का डेरिवेटिव d2y / dx स्क्वायर होता है, प्लस dy by dx को बाहर छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्रोडक्ट रूल यही तो है, एक को बाहर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को बाहर पहले का डेरिवेटिव, और ny का डेरिवेटिव n कांस्टेंट को बाहर छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। थोड़ी सावधानी के साथ यहां एक बार और प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जैसे एलसीएम किया था, जैसे ही एलसीएम करोगे अपने आप ये प्रूव होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, x की पावर n को बाहर छोड़ा, हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, माइनस ए साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, इंटू में लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x, प्लस यहां पे b है और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो गया 1/x। अब प्लस हमने इसको बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव किया, अब इसको बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसे रख दो बाहर, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, इंटू में एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करेंगे, तो हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, आपको दिखेगा कि यहां जो चीज दिख रहा है ये तो हमें पहले भी एक बार दिख चुका है, जिसको हम सेकंड मानना भूल गए थे। ये देखो, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स एज इट इज दिख रहा है, लेकिन इंटू में एक्स की पावर एन चाहिए, और यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन है। वही काम फिर से होगा, एलसीएम हम फिर से करेंगे, अपने आप यहाँ पे एक्स की पावर एन बनेगा, यानी ये सेकंड अजम्पशन हमारा बनेगा, इसकी जगह पे ये डाल देंगे, और यहां अगर हम माइनस को बाहर कर दें
तो वाई बनने का चांस नहीं, वाई बन चुका है। यानी हमने क्या किया, फिर से एक बार इस पूरे का एलसीएम ले लिया। देखते रहिए ध्यान से, बहुत बड़े क्वेश्चन को हम अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग 6 से 7 नहीं 5 से 6 स्टेप में पूरा करने जा रहे हैं। एलसीएम फिर से हो गया एक्स, इधर हमने लिख दिया एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां जैसे ही हमने माइनस कॉमन किया, ये बन गया एक्स की पावर एन ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ध्यान अगर दे रखे हो तो ये वाई बन चुका है, आप चेक कर सकते हो, मैच करा सकते हो। और इसी एक्स से जब इसमें इनटू होगा, पहले लिख देते हैं इसको, एन को लिख देते हैं, और एक्स से जब इसका इनटू होगा जैसे यहां पे किया था, तो ये एक्स की पावर एन बनेगा इनटू में माइनस ए साइन लॉग एक्स और प्लस बी कॉस लॉग एक्स। बस अब सब्स्टिट्यूशन का खेल बाकी है, यहां पे वाई डालना है और ये जो बन रहा है, ये सारी चीजें एक बार आप ध्यान से देखिए, जितना भी बन रहा है ये इसकी जगह पे आपको सेम यही चीज बन रहा है, इसकी जगह पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन वाई डाल देना है। क्या बनेगा, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। इस एक्स को जब यहां से हटाओगे, इसके साथ इनटू होगा एक्स स्क्वायर कर देगा, इसके साथ ये एक्स इनटू में लग जाएगा। एक सेकेंड, इसको हम दोबारा लिखी देते हैं। फिर से यहां से, अब यहां से एक्स को जब हटाओगे आप, तो ये एक्स इधर आके इनटू होगा, यहां इनटू होके बनेगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स का इनटू इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, एक्स का इंटू जब डी वाई बाई डी एक्स के साथ करोगे तो बनेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसी एक्स का इंटू यहां करोगे एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। प्रूफ वाले लक्ष्य पे निशाना रखो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कम से कम एक टर्म तो आ चुका है, दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन चुका है, बाकी के टर्म्स भी बन जाएंगे, कुछ नहीं करना होगा। यहां क्या डालोगे, माइनस का वाई, वाई तो बना, देखो मैच करा के देखो, और यहां पे एन को अलग छोड़ दो तो बाकी जो हिस्से बच गए, ये हमारा सेकंड अजम्पशन बन गया, मैच करा के देखो। यानी इसकी जगह पे क्या डालोगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एन वाई। हो चुका है प्रूफ, सबको एक तरफ समेटने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए। ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, हमने लिख दिया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देना ये एन से इंटू करेंगे तो एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में आएगा, और यहां भी माइनस एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी पड़ा है, तो ये दोनों मिला के क्या बना देगा, माइनस टू एन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वाई माइनस का है तो प्लस का वाई हो गया, और एन से जब इसका इंटू करेंगे, माइनस का एन स्क्वायर वाई है, बराबर के दूसरी तरफ प्लस का एन स्क्वायर वाई होगा बराबर जीरो। हो चुका है प्रूफ, अब बस इनमें से डी वाई बाई डी एक्स और एक्स को कॉमन करना है, और इनमें से वाई को कॉमन करना है, यानी हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से x और dy वाई बाई डी एक्स निकालने पे यहाँ 1 यहाँ 2n बचेगा, यानी 1 माइनस 2n इंटू में x dy वाई बाई डी एक्स, हमने दोनों टर्म में से कॉमन किया, इनमें से y कॉमन किया तो प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर में 0 आ गया। ये देखो कितना आसानी से प्रूव हो गया, आपको LHS लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये स्पेशल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सारी बातें यूज होती हैं, आपने देखा ट्रिक 5 भी यूज हुआ, ट्रिक 6 के भी कुछ कंसेप्ट यूज हुए, ट्रिक 5 का क्या यूज हुआ, पहली डेरिवेटिव से ही वाई बनना शुरू हो गया, दूसरी डेरिवेटिव से वाई और डी वाई बाई डी एक्स बनना शुरू हो गया, ट्रिक 6 का क्या यूज हुआ,
हमने बार बार क्वेश्चन टूल से अपने क्वेश्चन को बचाया। ये दो तीन चार बातें हैं जिनको अगर ध्यान में रखोगे और साफ सुथरा कैलकुलेशन करोगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, जेई लेवल तक के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके ठीक है, अभी कुछ और अभी स्पेशल प्रॉब्लम्स बाकी हैं, हम लेके आते हैं अगले लेक्चर में फिर से एक स्पेशल प्रॉब्लम, लेकिन काफी करीब है, हम दो तीन स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जिनको पढ़ाने के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करने वाले हैं अपने इसी चैनल अमेजन कोच पे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिससे बच्चे घबराते हैं कि अरे बहुत टफ टॉपिक है, एकदम आसान बना देंगे। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको लगेगा खिलौना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इंतजार कीजिए अगले लेक्चर।